Good morning, everyone. So today we good morning everyone. तो आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे हैं. पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, लेकिन उसी में हमारा आज का टॉपिक होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो व्हाट इज बेसिकली द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, क्यों यूज करते हैं? तो अगर हम लोग थोड़ा सा चले पीछे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग को याद होगा. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम लोग अपने लेफ्ट हैंड का फर्स्ट थ्री फिंगर्स को स्ट्रेच करते थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ओके, लाइक दिस, ठीक है? और ये जो बाहर है इसका ये थंब हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया, ये सॉरी ये फर्स्ट फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया. तो इसका रूल था FBI. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री है दूसरा. तो ये FBI क्या था? तो यहाँ पे B रिप्रेजेंट करता है किसको? तो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक. I रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और F रिप्रेजेंट करता है फोर्स को. ठीक है, सो इफ बी रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, आई रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड एफ रिप्रेजेंट्स द फोर्स, इन दैट केस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का क्या कॉन्सेप्ट है? सो दैट वाज लेफ्ट हैंड रूल मींस अगर कोई करंट का एक कंडक्टर है, उसमें करंट का डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है, तो हम फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं. यानी हमारा जो कंडक्टर है उसको फोर्स किधर एक्ट कर रहा था वो हम निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किस तरह से एक्ट करता है, ये क्या काम करता है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. राइट हैंड रूल क्या करता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता है. What is the Fleming's right hand rule? In Fleming's right hand rule, we use our right hand instead of our left hand. And what does right hand say? What does right hand rule say? It says that if we can stretch first three fingers of our right hand mutually perpendicular to each other. अगर अपने right hand के first three fingers को mutually perpendicular अगर एक दूसरे के हम लोग extend करते हैं, in that case, if the first, if the thumb represents the motion of the conductor, if the thumb represents the motion of the conductor, first finger represents the direction of magnetic field, then the central finger will give the direction of induced current. ये induced current का direction को बताएगा. So if that was called the FBI, that is Federal Bureau of Investigation, so then this is called the VBI. ये हमारा VBI रूल है, ठीक है? ये VBI रूल क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं. सो व्हाट इज VBI रूल? व्हाट इज कैन बी यूज्ड? व्हाट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड? सो इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ our right hand such that if we stretch the first three fingers of our right hand such that the first finger gives the first finger
represents the motion of conductor such that the thumb gives the motion of conductor first finger gives the direction of first finger that is the first finger gives the direction of magnetic field then the central finger will give the direction of induced EMF तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को हम लोग एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं अपने राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं इस तरह से स्ट्रेच करें कि थंब किसको रिप्रेजेंट करे भाई तो थंब रिप्रेजेंट करे कंडक्टर के मोशन को मिडिल फिंगर किसको फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे तो मैग्नेटिक फील्ड को देन द मिडिल फिंगर और द सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करेगा तो हम लोग चलो एक केस ले लेते हैं लेट्स दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इट इज बी एंड दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा वो अपन को अपने को फाइंड करने का ठीक है सो हाउ टू यूज ये तो मेरा मोशन की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है देयर इज नो इश्यू इन दैट ओके दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर फाइन सॉरी that must represent the motion of the conductor. This is representing the motion of the conductor. This should represent the direction of magnetic field. Then this, that is the central finger, will give the direction of induced current. That is the induced current will be in inward direction. Induced current will be under the taraf hoga. So in that case, we can see that the induced current will be inwards अंदर की तरफ हमारा induced current होगा ठीक है so by using this we can find direction of induced current okay let's see some other examples so let's this is the direction of motion conductor and this is the direction of magnetic field so what should be the direction of induced current in the conductor कैसे हम लोग direction का पता लगाएंगे तो again using Fleming's right hand rule मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई मोशन ऊपर की तरफ है देयर इज नो इश्यू इन दैट मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो इसके जस्ट अपोजिट तो ये मैं इसको ऐसे करूंगा अगेन क्या हो गया सॉरी उल्टा हो गया मोशन ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ तो करंट किधर होगा तो बाहर की तरफ तो इन दैट केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी आउटवर्ड इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा तो बाहर की तरफ होगा ओके सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड दिस रूल इज वेरी वेरी एप्लीकेबल बहुत ही ज्यादा इसके एप्लीकेशन है बहुत ही जगह पे इसका यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का बट अगेन जैसे मैंने पिछले बार बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसी तरीके से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का मैं अभी एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको उसके लिए वेट कीजिए मैं शॉर्टकट कैसे बताता हूँ ठीक आगे चल के आप लोगों को क्या पता चलेगा कि देयर इज नथिंग नो रूल कोई रूल नहीं होता है बस रूल एक ही होता है कि राइट हैंड थंब रूल यही रूल सब है सर्वोपरि है ठीक है जैसे भगवान एक है वैसे ही राइट हैंड रूल ही सब सर्वोपरि है उसके अलावा कोई रूल नहीं होता है सब रूल कैन बी सब रूल को हम लोग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं
ये वाला जो दूसरे रूल पढ़े थे, उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रूल नहीं होता है। देखते हैं कैसे हम फ्लाइंग राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं, ओनली राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो वी विल यूज द फ्रेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो आप उसके लिए वेट करते रहिए, आगे पढ़ते देखते रहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा फ्रेमिंग्स राइट हैंड रूल हुआ। Now let us see another rule. How the ये आपको रूल पढ़ना नहीं है, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, ठीक है। So the direction of induced current, induced EMF can be found by a formula which is equal to E equal to BBL sin theta, where theta is the angle between the motion and the magnetic field, motion of the positive charge and magnetic field. So that can be written as, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये induced EMF का हमारा formula है, that will be studied in the higher classes. ओके, नाउ इफ अगर एक और चीज हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हम लोग वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो नाउ दिस रूल द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट कैन बी यूज्ड वेरी इफेक्टिवली टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड। सो इफ let us consider this is the direction of magnetic field and let's distribute the direction of motion of the current. If these two things are given, what can I simply find? So in which direction the force, the induced EMF will be? So let us use the Fleming's right hand rule. ये हमारा motion ऊपर है, magnetic field है, तो ये हमारा अंदर की तरफ हमारा induced current का direction आ रहा है, ठीक है। By using the concept of B cross B, simple, see, if I have to find the direction of induced EMF, I will fold my fingers from velocity towards the magnetic field. So this is the velocity of the conductor, and if I am going to move my hand from velocity to magnetic field, the thumb is going to point towards the direction of induced EMF. Okay, see here, that is the velocity, that is the magnetic field, I am folding my hand, right hand. So what should be the direction of induced EMF? The direction of induced EMF, the direction of current should be towards my thumb. Okay, let's use some more examples. Let's this cross representing the direction of magnetic field, and in that case this should be the velocity of the conductor. So what should be the direction of induced EMF ki direction kya hoga? Cross kya hoga yahan pe, to cross ho gaya magnetic field, upar kya ho gaya, to ye ho gaya velocity. To hum log use karte hain apna rule, राइट हैंड रूल यूज करते हैं, मैग्नेटिक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी को, तो ये हो गया वेलोसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हो गया इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फ्रॉम द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट, नो इशू। नाउ लेट्स यूज द राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So that should be the B cross B, that the thumb is going to represent the direction of induced EMF from the induced current. That is very very easy. If you are going to practice that, you will find that the right arm rule, that right arm
thumb rule that is very very easy to determine the direction of current, direction of induced current. Okay. और मैं एग्जांपल देता हूँ, let us take this example. In this, अच्छा ये मैं आप लोगों को बताना, मैं नहीं बताएगा, ठीक है? ये बताएगा तुम लोग. कौन बताएगा? ठीक है, तुम ही बताओ. विवांस और पीयूष और कौन बताएगा? सुजल. चलो तुम तीनों बता रहे हो, देखते कौन बताता है. पीछे तुम्हारा लाइव. Now this is the direction of magnetic field, and let this to be the direction of motion of conductor. What should be the direction of induced EMF? I am giving you 10 seconds to explain the to give the answer. Okay? Let's the time begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay? So क्या होगा answer? क्या सुना नहीं मैंने? अच्छा ठीक है, देखता हूँ. पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के पास चलते हैं भैया. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहता है कि ये मोशन का डायरेक्शन होना चाहिए. मोशन इधर हो रहा है क्या? मोशन तो इधर नहीं है, मोशन तो इधर हो रहा है. चलो मोशन किधर लेके आ गया? अरे बाप रे, बड़ा दिक्कत है. मोशन इधर आ गया. मैग्नेटिक फील्ड किधर? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है. चलो मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेके आ गया. ठीक है, मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो इंड्यूस करंट किधर? ऊपर की तरफ. ठीक बा, आते हैं अब राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल आते हैं. ठीक है, बी क्रॉस बी, बी किधर है? तो ये रहा बी. बी बी किधर है? बी इधर है. बी क्रॉस बी किए, बी क्रॉस बी किए, करंट किधर आया? ऊपर. सुई जी, तो ऊपर सही जवाब है. जिसने भी दिया, मैंने देखा किसने दिया, तो कल पता चलेगा किसने दिया. मैं तो आज रात में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, बहुत शिकायत क्या आ रही है कि भाई सर आप पढ़ाते हैं आधा घंटे 40 मिनट का लेक्चर लेते हैं, बच्चे लोग तब देख देख के थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. दैट कैन बी पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्लास में हंसी मजाक चलते रहता है. या आप हंसी मजाक नहीं हो पता, जो रहता मैं वही सीरियसली फेस से पढ़ाते रहता हूँ, बोरिंग फेस से आप लोग को लगता होगा. सो समटाइम्स हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए. मैं मेरे माइंड में एक चुटकुला आ रहा है, ठीक है, मैं सुना देता हूँ. ठीक है, चलो किसका नाम लूँ, 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 चलो किसी का नाम नहीं लूँगा. एक बार क्या होता है, एक पिताजी अपने बेटे को मैसेज करते हैं. बेटा बेचारा बाहर हॉस्टल में रह रहा होता है, वहीं से पढ़ रहा होता है. रात को 1 बजे मैसेज करते हैं बेटे को. पापा बोर हो रहते हैं तो मैसेज करते हैं बेटे को, बेटा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कुछ जोक वोक भेजना. तो बेटा रिप्लाई करता है, पापा अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ. पिताजी फिर 5 मिनट तक वेट करते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं. फिर 5 मिनट और कैसे भेजते हैं, जो अच्छा था बेटा और भेजना. समझ गए होता हंस लो. ठीक है, तो एक्चुअली मैं ऐसे ही याद है कि बहुत अच्छा जोक लगता है, शॉर्ट है और अच्छा भी है, आजकल के जनरेशन पे ज़्यादा फिट बैठता है. तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं. वैसे एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक. आई थिंक दैट इज द बेस्ट डिसीजन जो मैं पूरे 2020 में, बेस्ट न्यूज जो मैं 2020 में सुना. चाइनीज और सब बैन, एक और पबजी भी बैन हो जाता. आई नो आप लोगों को पसंद है, फिर बैन हो जाता तो मेरे को दूसरी होता, आपका कैरियर बन जाता भाई. पबजी के चक्कर में आपको बर्बाद हुए जा रहे हो. चलो टिकटॉक भी बैन हुआ तो बहुत बुरी बात है. आते हैं टॉपिक पे. तो आप लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करना सीख गए, सीख गए? राइट हैंड रूल भी यूज करना सीख, राइट हैंड रूल, दो रूल मैंने सिखा दिया आपको. अब मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ये मैंने खुद डिस्कवर किया भाई, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं. ठीक है, दैट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय मी. कैसे पता करें?
मेरे कोई रूल नहीं आता। चलो मेरे हाथ मूव ही नहीं करता, ये सब कैसे करते हैं सर कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है अगर आपको कुछ नहीं पता हो फिर भी मैं आपको बता दूंगी कैसे गेस कर सकते हैं कि टैक्स में कितना होगा, जानना है तो देखिए। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, चलिए देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, ये रहता मैग्नेटिक फील्ड और ये ले लेता मैं मोशन ऑफ करेक्टर। तब पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे चलते हैं भाई। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मोशन किधर है तो मोशन ये रिप्रेजेंट करता है, ये मोशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। करंट किधर होगा, इंड्यूस करंट होगा बाहर की तरफ, हो गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल यूज करते हैं, बी इधर है, बी उधर है, बी क्रॉस बी, करंट किधर, बाहर की तरफ, हो गया, दो चीज हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अब अगर आपको कोई रूल नहीं याद आ रहा, आपको पता नहीं चला आप क्या यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, कि राइट आप यूज कर क्या करें, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, सब किसी पर गया, उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग। ये कौन सा एक्सिस है भाई, तो ये है एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है भाई, तो ये है वाई एक्सिस। तो जो एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है उसको भूल जाओ, उसमें हो ही नहीं सकता। जो एक्सिस में वेलोसिटी है उसको भी भूल जाओ, उसमें भी नहीं हो सकता। तो किधर होगा, तो जेड एक्सिस में होगा। जेड एक्सिस मतलब या तो बाहर या तो अंदर, और कोई नहीं हो सकता। या तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड सर, इसके अलावा कोई करंट का डायरेक्शन नहीं हो सकता, जैसे हमने देखा कि बाहर की तरफ है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो नो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो अंदर या बाहर भी चल सकते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड, इसको देख के बस यही ध्यान देना है, जिस डायरेक्शन में बी रहे, जिस डायरेक्शन में बी रहे उस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, बस यू विल गेट द आंसर। ओके नाउ दैट विल बी अ 50-50 आंसर, सो स्टिल कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि 50-50% चांस आपको हो जाए। ट्रू फॉल्स सेट हो गया, या तो आप बाहर या तो अंदर, जो आपको सही लगे, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आपको भूल गए कि कौन सा रूल यूज करना है। नाउ दैट कैन बी रूल कैन बी ऑल्सो यूज इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो हाउ दैट कैन बी यूज इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सो इन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हाट आई हैड, लेट अस टेक एन एग्जांपल। So let's distribute the direction of magnetic field and distribute the direction of current in the current carrying conductor. In that case, it is going to experience a force, and the direction of force will be, that is B, F B I. That is I, the force will be outward. But again, ये रहा B, इसमें तो X axis में नहीं आ सकता। ये रहा I, तो Y axis में नहीं आ सकता। दो एक्सिस में तो नहीं हो सकता, ना तो एक्स एक्सिस में होगा ना तो वाई एक्सिस में होगा, तो किधर होगा भाई, ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन एक्सिस लेफ्ट एंड दैट एक्सिस इज जेड एक्सिस। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन जेड एक्सिस, आइदर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दैट्स सो सिंपल। तो या तो लिखो बाहर की तरफ, एक ही मान लो कि बाहर की तरफ ही हो तो बाहर ही लिख दो, तो 50% चांस तो है ना कि भाई आपका आंसर सही होगा, एमसीक्यू में काफी एप्लीकेबल हो सकता है। सो ट्राई टू यूज इट, ओके। अब आपके हाथ में है, आप यूज करो कि ना यूज करो, मैं बस बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब राइट हैंड रूल के बाद हम लोग एक और रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लेंज रूल। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्या फाइंड करने के, तो करंट के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये रूल काफी अच्छा रूल है, देखते हैं, बहुत अप्लीकेबल है। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि आप बच्चा को जिस चीज के लिए मना करो बच्चा वही करेगा। कैसा रूल है भाई, देखते हैं। सो इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट, the direction of
induced EMF will be such that it opposes the couch which produced it, which produces it. बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस टाइप से होगा कि उसी को अपोज करेगा जो इसको प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है, जो इसको प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है ये उसी को अपोज करने का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, तो इधर एक ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर और इधर एक ले लेते हैं मैग्नेट, ये रहा नॉर्थ ये रहा साउथ एंड आई एम मूविंग लाइक दिस। तो क्या कह रहा है कि इस क्वाइल में जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई मैग्नेट इस क्वाइल में करंट किसकी वजह से आ रहा है, तो करंट आ रहा है हमारा मैग्नेट की वजह से। बिकॉज ऑफ द मैग्नेट द करंट इज इंड्यूस्ड इन द क्वाइल एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज द काउच विच इज प्रोड्यूसिंग इट। कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेट। और बोला कि मैग्नेट को आने से रोकेगा, तो मैग्नेट को आने से कैसे रोकेगा भाई, तो मैग्नेट से आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना देगा, नॉर्थ पोल बना देगा तो भाई उसको पास आने से रोक देगा। तो नॉर्थ पोल भी बनाने के लिए व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इफ वी कैन रिमेम्बर द रूल द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इन द लूप इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ नॉर्थ पोल, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। So that should be the anti-clockwise current, and because of this anti-clockwise current, that pole is going to be the end pole, that is north pole, and as since this is going to be a north pole, the north pole of this solenoid, which is having a current, will be going to oppose the north pole of the magnet. So they will have a force of repulsion. Repulsion in the bit mein hona chahiye. North pole repel karega. Now, what will happen if we move the magnet? What is going to happen if we move the magnet away from the solenoid? मैं solenoid से magnet को away move कर रहा हूँ. Okay, we are moving the solenoid away from the. We are moving the bar magnet away from the solenoid. In that case, what should be the direction of current? In that case, the direction of current will convert it to clockwise. If the direction of current is going to convert it to clockwise, in that case, this is going to be a south pole, this is going to be a north pole. Sorry. This way the situation. अगर मैं magnet को दूर ले जाऊंगा, तो भाई इसमें flux change होगा, flux कम होगा, flux किसकी वजह से कम होगा? तो flux कम होगा इस magnet के दूर जाने की वजह से, क्योंकि magnet के दूर जाने की वजह से इसमें flux कम हो रहा है, तो क्या करेगा? मैग्नेट को दूर जाने से रुकेगा। So it will produce opposite polarity so that it can attract and it will oppose the motion of conductor, motion of the magnet. Okay? So this rule is very very applicable, बहुत ज़्यादा applicable होता है, आगे क्लास में ज़्यादा applicable होगा, आप लोगों के बारे उतना applicable ना हो, but in the higher class this rule is going to be very very applicable. Okay? So we will see the next topics that will be mixing of right hand rule, left hand rule and the length rule, but that will be seen in the next class. आज के लिए हम लोग टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए जोक्स के साथ, एक जोक अगले क्लास में भी, ठीक है, आप लोग भी सुना सकते हैं। तो see you in the next class.